अलेक आओ बाहर आ जाओ। देखो सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, आओ। आलेक आलेक आओ बाहर आओ, चलो जल्दी से आओ। रहने दीजिए, ये सब की क्या जरूरत है, वैसे भी मुहूर्त का वक्त हो रहा है, पूजा शुरू करवाते हैं। हाँ मस्जिद दो एक तस्वीरें आलेख बाबा अली साहब। ये सब क्या है? तुमने कहा था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, फिर ये फोटोग्राफर कहां से आ गया? बड़ी माँ, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा था कि आलेख को परेशान करने वाली कोई भी चीज ना हो। पंडित जी को भी सब समझा दिया था, ना ही कोई लाल गुलाब रहने दिया है, ना ही कोई चमकीली चीज। यहाँ तक कि आस पड़ोस के दुकानदारों को पैसे देकर मैंने उनका लाउड म्यूजिक भी बंद करवा दिया है। पता नहीं ये फोटोग्राफर कहाँ से आ गया। लेकिन नवीन, अगर उसने आलेख के ऊपर कैमरा फ्लैश कर दिया तो आलेख रिएक्ट करेगा, ऐसी हालत में उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम कुछ करो नवीन। मैं देखता हूँ। माफ कीजिएगा, चोट तो नहीं आई आपको? आराम से। वो माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा, आइए चलें।
आलेख की दवा का वक्त हो गया। इसे दवा देते थे, इससे शांत रहेगा। यजमान, कन्या को बुलाइए। लो बेटा, ये पवित्र गंगा जल है, इसे पी लो बेटा। लीजिए, हमारी बहू रानी तो आ गई। हम हवन की विधि आरंभ करेंगे। लो, यजमान, अब कन्यादान का विधि आरंभ करेंगे। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब मेरी बेटी पराई हो जाएगी।
बेटी के कन्यादान का सौभाग्य मिल रहा है मुझे। जीवन का बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है आज। अब कन्या का हाथ बर के हाथ में दीजिए। बेटा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। कमरे में ले जाओ और इनका ख्याल रखो। भगवान साक्षी है मामा जी, वो पागल नहीं है।
मैं आलेख जी से शादी करना चाहती हूँ मामा जी। दुनिया के इतिहास में आप अकेली ऐसी इंसान नहीं है जिसने अपने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र रचा हो, ये मैं जानता हूं। लेकिन सकते में आ गया हूं कि ऐसे ऐसे ऊंचे खानदान वाले लोग ऐसी नीची हरकत कर सकते। दौलत के आ जाने से वसुंधरा जी इंसान धनवान जरूर बन जाता है, भगवान नहीं। ये तो ईश्वर की अपार कृपा हो गई मुझ पर, जो वक्त रहते इन्होंने बचा लिया, वरना तो आज अनंत हो जाता। जिसकी खातिर मैं जिंदा हूं वो बचा नहीं, टूट जाता। क्योंकि इन धोखेबाज लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी भोली भाली बच्ची की जिंदगी तबाह करने की। बस कीजिए शर्मा जी, बस बहुत हो गया। राजवंश परिवार की शराफत पर सवाल तो आपने उठा दिए, लेकिन राजवंश परिवार की यह शराफत ही है जो चुपचाप आपके इल्जाम को सुनती रही। और बात अगर धोखे की है तो धोखा हमने नहीं, आपकी बेटी ने आपको धोखा दिया है। हाँ शर्मा जी, पूछिए इससे, क्या इसको नहीं पता था कि हमारा बेटा आलेख मानसिक तौर पर नॉर्मल नहीं है। और जब हमने इस रिश्ते की बात की थी तो ये जानती थी कि ये फैसला लेना बहुत मुश्किल होगा, और बहुत सोच समझ कर इसने ये फैसला लिया था। और ये साधना की ही मर्जी थी कि ये बात आप सबसे छुपाई जाए। बेहतर यही होगा शर्मा जी कि आप ये शादी होने दें। नहीं वसुंधरा जी, मैं ये नहीं जानता कि साधना ने अगर मेरा विश्वास तोड़ा है तो क्यों तोड़ा। सच क्या है झूठ क्या है ये भी जानने की मुझे जरूरत नहीं। मैं साधना की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब ये शादी होना किसी भी सूरत में असंभव। मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। विदाई रीत ये कैसी आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।